दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेज़ है, यानी कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिली, मैंडेट मिला सरकार बनाने के लिए 8 अक्टूबर को, अब सरकार बनाने की तरफ आप एक स्टेप मान लें कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह आएंगे चंडीगढ़ और अमित शाह के साथ होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर। हरियाणा विधायक दल की, जो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी बैठक होगी हरियाणा भाजपा के विधायक दल की। उस बैठक के अंदर अमित शाह पहुंचेंगे और उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे मोहन यादव। उस बैठक में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, मोहनलाल बड़ौली। अमित शाह के सामने तय होगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन। हालांकि माना ये जा रहा है कि केवल फॉर्मेलिटी है, माना ये जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जी का नाम क्योंकि चला था तो इसको माना तो फॉर्मेलिटी जा रहा है, लेकिन जब तक सब कुछ हो ना जाए तब तक कुछ भी कहा जा सकता है कि जाने क्या हो जाए। खैर, मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात पर ज़्यादा चर्चा किए बिना मैं आपसे लगातार इस चर्चा में हूँ कि सरकार के अंदर भागीदार कौन होंगे, यानी कि सरकार में वजीर कौन कौन हो सकते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियोज़ में चर्चा की हरियाणा के वैश्य अग्रवाल समाज की, मैंने आपसे चर्चा की पंजाबी समाज की, मैंने आपसे चर्चा की यादव समाज की, कि इनमें से कौन कौन लोग सरकार के अंदर वजीर बन सकते हैं, सरकार में किनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ हरियाणा के ब्राह्मण समाज को लेकर, कि हरियाणा के ब्राह्मण समाज के नेताओं 7 विधायक बने हैं हरियाणा के अंदर ब्राह्मण समाज के। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया था, जिन नेताओं को, 11 नेताओं को टिकट दिया था, उनमें से 7 लोग विधायक चुन करके आए। जो लोग विधायक बन के आए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उनमें अरविंद शर्मा भी हैं, 4 बार के सांसद, पहली बार विधायक बने हैं अरविंद शर्मा। उनमें रामकुमार गौतम भी हैं, रामकुमार गौतम सफीदों से एमएलए बने हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से एमएलए बने हैं। रामकुमार गौतम भी तीसरी बार विधायक हैं, पिछली बार वो जननायक जनता पार्टी से विधायक थे, इससे पहले एक बार वो विधायक बने और अब वो तीसरी बार विधायक बने हैं रामकुमार गौतम। अब की बार विधायक बने वो सफीदों से, सफीदों भी जाटलैंड है, दोनों सोनीपत लोकसभा से हो गए। गोहाना से बने डॉक्टर अरविंद शर्मा और सफीदों से बने रामकुमार गौतम। तीसरे विधायक हैं मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं और तीसरी बार विधायक हैं, बल्लभगढ़ से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, हैट्रिक बनाई है उन्होंने जीत की। मुकेश शर्मा विधायक बने हैं गुरुग्राम से, युवा विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं मुकेश शर्मा पहलवान। पलवल से विधायक बने हैं गौरव गौतम, गौरव गौतम भी पहली बार विधायक बने हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं और महाराष्ट्र मुंबई के प्रभारी रहे हैं, सह प्रभारी गौरव गौतम। भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है काफ़ी उसको गंभीरता से और गहरे से जानते हैं, लगभग 35,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, पलवल के विधायक बने, करण सिंह दलाल को हराया। अगर अगली बात करते हैं तो फिर उचाना से देवेंद्र अत्री विधायक बने हैं, देवेंद्र अत्री ने 32 वोट से चुनाव हराया, सबसे छोटी हार पूरे हरियाणा की, मात्र 32 वोट से। और जिनको चुनाव हराया, अब बड़ी गंभीर बात है कि जिनको चुनाव हराया वो सांसद थे बांगर चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व नौकर शाह ब्रजेंद्र सिंह, और उचाना जाटलैंड, जहां पर 1,00,000 से ज़्यादा अकेले जाट समाज के वोट हैं, वहां से देवेंद्र अत्री चुनाव जीते और 32 वोटों से उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में हराया। ये प्रमुख नाम है जो विधायक बन के आए ब्राह्मण समाज से। अब बात आ जाती है कि अगर मंत्री पद की बात चलेगी, जब बात ये चलेगी कि मंत्री किसको बनाया जाए, वजीर किसको बनाया जाए, एक ब्राह्मण समाज का एक बड़ा नाम और आपको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, कालका की विधायक विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी, सांसद राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा की माताजी, वो भी विधायक बनी है कालका से। ये 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने। अब अगर बात आ जाती है कि मंत्री पद में किसका नंबर लग सकता है, मंत्री पद किसको मिल सकता है, मूलचंद शर्मा 2014 में विधायक बने थे, 2014 से 19 तक विधायक रहे, उन्हें सरकार में कोई पद नहीं मिला, विधायक रहे। 2019 में मूलचंद शर्मा विधायक बने दूसरी बार, रामबिलास शर्मा हार गए, पंडित रामबिलास शर्मा के हारने के बाद में मूलचंद शर्मा की लॉटरी लग गई और मूलचंद शर्मा विधायक रहे, मंत्री बने, परिवहन मंत्री बने, उसके बाद में आजकल उद्योग मंत्री थे।
मूलचंद शर्मा की चर्चा है, लेकिन मूलचंद शर्मा की चर्चाओं के साथ साथ एक बात और भी है कि मूलचंद शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा या फिर उन्हें सरकार में कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यनीति है, बड़े अलग हटके है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के अंदर बड़े अद्भुत फैसले होते हैं। आप कभी सोच नहीं सकते कि जो व्यक्ति, जो कृतित्व जिसका नाम सबसे आगे चल रहा हो, वो कहीं खो जाता है और कहीं गुमनाम चेहरे सामने आ जाते हैं। इसलिए मूलचंद शर्मा क्योंकि प्रभावशाली नेता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मूलचंद शर्मा के साथ दो बात चली हैं हमेशा दोस्तों। पहली बात चली उनके साथ में जब वो 2014 से 19 विधायक थे। मैंने आपसे एक बार वीडियो में शेयर भी किया था, आप जिक्र भी किया था। मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और मनोहर लाल का तख्ता पलटने की बात चली थी। जो विधायक लामबंद होते थे उनके अंदर चर्चाओं में नाम मूलचंद का भी आया था। और अब दूसरी बार जब विधायक थे 2019 से 24 मंत्री रहे जब, तो उस समय गाये बगाए मूलचंद शर्मा का नाम कई विवादों में भी घिरा। अब बात 2024 की है। विधायक भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके, अब मूलचंद शर्मा क्या मंत्री बनेंगे इस पर बड़ी चर्चाएं हैं। लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं, जो आंतरिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे जो बातचीत हुई उनके आधार पर कहीं ये बात निकल करके आई कि मूलचंद शर्मा को कोई सरकार के अंदर कहीं और भी एडजस्ट किया जा सकता है बजाय मंत्री के। वो पद क्या होगा, किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा। दूसरा नाम आता है अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा 4 बार के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, ऐसी विधानसभा सीट से जीत करके आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। प्योर जाटलैंड की सीट है, सोनीपत लोकसभा में आती है। सोनीपत लोकसभा से अरविंद शर्मा पहली बार निर्दलीय सांसद बने थे, फिर दूसरी बार वहां से वो सांसद बने कांग्रेस से, तीसरी बार भी कांग्रेस से सांसद बने थे, एक बार वो करनाल से, और उसके बाद वो सांसद बने रोहतक से भारतीय जनता पार्टी से। इस बार चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, रोहतक से सांसद का एमपी का चुनाव हारे दीपेंद्र हुड्डा से। हरियाणा में सबसे बड़ा मार्जन था, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा की एक बात आई कि जब उन्होंने गोहाना जैसी विधानसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। सियासत को बड़े पास से समझते हैं, बड़े पास से जानते बूझते हैं। हरियाणा के अंदर ब्राह्मण समाज में उनका बड़ा नाम है। अरविंद शर्मा का नाम पूरी चर्चाओं में गंभीरता से लिया जा रहा है कि अरविंद शर्मा सरकार में वजीर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। अरविंद शर्मा का नाम पूरी गंभीरता से है। अगर अगली बात करेंगे, दादा रामकुमार गौतम जब जब भी विधायक बने, जिस पार्टी से विधायक बने उस पार्टी में लंबे समय छनी नहीं, बनी नहीं, बात उनकी चली नहीं। आजकल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जननायक जनता पार्टी से विधायक बने थे, लेकिन एक दिन भी उनकी जननायक जनता पार्टी के नेताओं दुष्यंत, अजय, दिग्विजय किसी से भी नहीं बनी। सरेआम उनको खुलेआम कोसा करते थे, पानी पी पी करके दादा रामकुमार गौतम वजीर नहीं बने थे। इससे पहले भी जब बने, जब विधायक बने थे तो उस पार्टी की सरकार नहीं आई थी, भारतीय जनता पार्टी से उस समय विधायक बने थे। इस बार 2024 के अंदर रामकुमार गौतम कह के आए थे कि आखिरी चुनाव है, सफीदों जैसी विधानसभा सीट से जीत गए, लेकिन एक ही लोकसभा में क्या दो नेताओं को जगह मिलेगी इस पर, और एक ही समाज के, एक ही ब्राह्मण समाज के। अरविंद शर्मा का नंबर लगने की स्थिति में रामकुमार गौतम का, दादा का नंबर लगना बहुत मुश्किल है। दादा परशुराम भी सबसे पहले बनते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं। अगर वजीर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, लेकिन संभावनाएं जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि रामकुमार गौतम जी के अरविंद शर्मा के मंत्री बनने की स्थिति में संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। अगर अगली बात करें तो फिर कालका की विधायक, बहुत जोर से, बड़ी गंभीरता से उनका नाम लिया गया। चुनाव जब शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। जब चुनाव शुरू हुआ था तो बात आती थी कि उनका चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन चुनाव भी जीती और बड़े गरिमापूर्ण तरीके से चुनाव जीती। प्रदीप चौधरी को चुनाव हराया, मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है क्योंकि बेटे राज्यसभा के सदस्य हैं। कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट बने थे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं। इस सब को देखते हुए कालका के विधायक को भी गंभीरता से लिया जा रहा है, ब्राह्मण कोटा प्लस महिला कोटा दोनों मिला करके। संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, उनका भी नंबर लग सकता है। अगर आगे चलते हैं तो फिर मुकेश शर्मा,
गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, जो उनका डिफरेंस रहा है चुनाव के अंदर जीतने का, बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश शर्मा, और जिनको हराया वो भी बीजेपी के बागी नवीन गोयल। तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही थी मोहित ग्रोवर गुरुग्राम के अंदर। चर्चाएं हैं कि मुकेश शर्मा का नाम बड़ा गंभीरता से है, लेकिन गुरुग्राम और दक्षिण हरियाणा के अंदर इस लोकसभा के अंदर अगर जाते हैं तो फिर यदुवंशियों का नंबर लगने के ज़्यादा चांस हैं, इसलिए मुकेश शर्मा का दावा यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। फिर नाम आता है देवेंद्र अत्री का, उचाना के विधायक हैं, लेकिन वही बात आएगी जब जाटलैंड से मंत्री बनाने की बात होगी तो फिर उधर डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम पहले गंभीरता से है। डॉक्टर अरविंद शर्मा का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, तो उस स्थिति में दूसरा वजारत जो मिलेगी, ब्राह्मण समाज के दो नेता वजीर बन सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, दूसरा जो नाम चलेगा वो संभवतः जाटलैंड से ना हो, इसलिए देवेंद्र अत्री का नाम यहाँ थुकट जाता है। अंतिम नाम गौरव गौतम, पलवल के विधायक जिस प्रकार से टिकट लेकर के आए वो विधानसभा का, दीपक मंगला पलवल के विधायक थे, दीपक मंगला टिकट मांगते हैं, पिछली बार उन्होंने करण सिंह दलाल को हराया था, लेकिन दीपक मंगला का टिकट यूं कटा जैसे पलक झपकते ट्रेन छूट जाती है, देखते रह गए, उम्मीद नहीं करते थे लोग, लेकिन टिकट कटा, गौरव गौतम टिकट लेकर के आए। और चुनाव जब गौरव गौतम को टिकट मिला था तो लोगों ने ये कहा था कि गौरव गौतम करण दलाल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस अंदाज से चुनाव लड़ा गौरव गौतम ने और जिस प्रकार से चुनाव को उठाया और 35,000 वोटों से चुनाव जीते, दिखा दिया गौरव गौतम ने कि राजनीति में उनका जो कौशल है, उनका जो हुनर है, उसकी भी कोई काट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति के जो दिल्ली के दरबार के गलियारे हैं उनके सारे रास्ते सारे दरवाजे गौरव गौतम को पता हैं। युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में उनकी पकड़ हनक भी है और उनको लोग सम्मान के साथ बिठाते भी हैं। यूथ से अगर किसी का नाम चलेगा तो फिर गौरव गौतम का नाम तय होता है। उनके साथी समर्थक शुभचिंतक लगातार वह कह भी रहे हैं कि सरकार के अंदर बड़ा पद मिलेगा। अगर मैं ब्राह्मण समाज से जो नेताओं को नंबर लग सकता है, जिनको मंत्रालय मिल सकता है, जिनकी बात बन सकती है, जो मैंने आपको नाम शेयर किए ब्राह्मण समाज के सभी नेताओं के नाम और उनमें से जो मंत्री बन सकते हैं, अगर उन पे बात आएगी कि कौन कौन किस किस का नाम गंभीरता से हो सकता है, तो अगर सरकार में वजीर कौन बन सकते हैं ब्राह्मण समाज से, आपको सीरियल वाइज बताऊं तो जो तीन नाम मैंने आपको बताए, नंबर एक पर डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना के विधायक, दूसरे नंबर का नाम लेंगे तो शक्ति रानी शर्मा कालका की विधायक, और तीसरे नंबर पर अगर नाम लेंगे तो गौरव गौतम पलवल के विधायक। उसके बाद जो नाम चलते हैं मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के विधायक, अगला नाम लेंगे तो देवेंद्र अत्री उचाना के विधायक, अगला नाम लेंगे तो रामकुमार गौतम सफीदों के विधायक, और अगला नाम लेंगे तो मुकेश शर्मा गुरुग्राम के विधायक। हमने जो आपको तीन नाम बताए कि वो वजीर बन सकते हैं, उन तीन में से किन्हीं दो का नंबर लग सकता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा, शक्ति रानी शर्मा और गौरव गौतम। आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।